हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी हमने एल्गो डिज़ाइन करवाया था उसका क्या रिज़ल्ट है वो मैं भी आपको बताऊँगा। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। उसके बाद जो अब हमारा रिज़ल्ट है वो बहुत बेटर है, और वो किस तरीके क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सॉर्ट आउट हुआ, अब कैसे ट्रेड्स बने हैं, आज के ट्रेड्स में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या लॉजिक था, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में दिखाने वाला हूँ विथ प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा एल्गो था उसके पीछे लॉजिक क्या था। कि मार्केट में जब कभी भी एक इम्पल्स आएगा, लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जब कभी भी एक इम्पल्स आएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो जैसे मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, जो कि हमारा फिबोनाची का लेवल होता है गोल्डन जोन, यहाँ पे एंटर करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो इस जगह पे हमारे डीमेट अकाउंट में क्या हो रहा था, ऑटोमेटिक ट्रेड लग रहा था, ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रेड लगेगा आपके डीमेट अकाउंट में भी, ठीक है। बट यहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मार्केट में ये हमारा एक लो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लो पॉइंट है और ये हमारा एक हाई पॉइंट है, ठीक है। तो एल्गो को क्या कंसिडर करना चाहिए, इसको एज अ लो कंसिडर करना चाहिए, इसको एज अ हाई कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पे हमारा जो रिट्रेसमेंट के यहाँ पे बना गोल्डन जोन, ये एक परफेक्ट बनेगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ये हमारा एक हाई पॉइंट है, वो तो ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ नीचे आ रहा था, तो वो हमने रेंज जो डाला 200 250 300 पॉइंट का, जो हमने यहाँ पे रेंज डाला, उस रेंज की वजह से वो इसको लो कंसिडर कर रहा था, जो कि गलत है। हमारा लो ये है तो हमारे को ये कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पे हमारे को मैनुअली मेज़र करना है कि ये कितने पॉइंट्स का रेंज है। रेंज हमारे को पता चल गया 300 350 पॉइंट का, तो वो हम सिस्टम में सेट करेंगे, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे गोल्डन जोन बनेगा और वहाँ से हमारा ट्रेड में एंट्री होगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री गोल्डन जोन पे भी करेंगे, 0.88 के लेवल पे कर सकते हैं, 1.618 के भी लेवल पे कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। जिस पे हमारे को ट्रेड में एंट्री करना है हम उस पे यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो आज के दिन जो बैंक निफ्टी का चार्ट है आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट फॉल, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। तो उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो आज के दिन में एक ही परफेक्ट ट्रेड बना, उसके पीछे क्या लॉजिक था वो मैं भी आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा ये एल्गो है उसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, अर्ज फीब में जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसको मैं जैसे यहाँ पे ऑन करूँगा तो यहाँ पे अभी आपको बाई एंड सेलिंग दिखने लगेंगे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे बाई एंड सेलिंग दिख रहे हैं, बट हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। हमने क्या देखा बैंक निफ्टी के चार्ट में कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, तो ये हमारा क्या है, एक हाई पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हाई पॉइंट को मार्क करेंगे, करेक्ट, और उसके बाद जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा लो पॉइंट ऑलरेडी मार्क हो गया, हाई एंड लो मार्क। तो जब हमारा हाई एंड लो मार्क हो गया तब हम देखेंगे कि ये कितने पॉइंट का हमारा रेंज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा हाई पॉइंट है ना, तो हम ये हाई रखेंगे और जो हमारा लो पॉइंट है उसको हम मेज़र करेंगे। तो लो हमारा कितना है, अप्रोक्स 370-375 पॉइंट का ये हमारा प्रॉपर एक इम्पल्स बना। अब इसका जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट होगा, ये गोल्डन जोन से मार्केट रिवर्स करेगा, तो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया, बट हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका ट्रिगर ऑफ कर सकता हूँ अपने हिसाब से कि हमारे को कहाँ पे एंट्री चाहिए, कहाँ पे हमारे को एंट्री नहीं चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने इसके ट्रिगर को ऑफ कर दिया ना, यहाँ से हम अलर्ट में जाकर इसको हम स्टॉप कर देंगे, तो जैसे ये एक्टिव है हम इस पर क्लिक करेंगे ये स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको स्टॉप कर दिया तो अब हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रेड लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया था, ऑफ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कट जाता। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे कि अब हम यहाँ पे रेंज 370 पॉइंट का 350 डाले, 370 ये कैप्चर कर लेगा, लेकिन एंट्री हम गोल्डन जोन पे नहीं करेंगे। एंट्री अभी हम 0.88 के लेवल पे और 0.89 मतलब 88 पे हम एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 0.88 और जैसे डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 88 का लेवल ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल ऑटोमेटिक बन गया। अब ये सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे ऑटोमेटिक क्यों बना वो मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसके हिसाब से जो हमारे डीमेट अकाउंट में ऑर्डर लगा ना, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इस इम्पल्स का ये हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट है। 88 का लेवल दिख रहे, 0.88 का लेवल, यहीं पे हमारा मार्केट ने क्या किया, सेलिंग का सिग्नल दिया। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दे दिया इस कैंडल पे, हमारे डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक पुट ऑप्शन बाई होगा। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये 10:55 का कैंडल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली 10:55 पे हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रेड लगा था, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ ऑर्डर में जाकर, ठीक है। मैं ऑर्डर में गया, 10:57 पे आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 39,400 का पुट ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक 318 रुपये पे बाई हो गया था। अब जैसे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बाई हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स करा, तो इस कैंडल पे 11 इस कैंडल पे आई थिंक, ठीक है, 11:10 के कैंडल पे हमारा ये टारगेट भी रीच कर दिया था, क्योंकि 50 पॉइंट का हमारा प्रीमियम में टारगेट है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी रीच हो गया। देखो
ग्यारह बज के 11 मिनट पे, सॉरी ये 11 बज के 11 मिनट का कैंडल है, ठीक है। नीचे आप टाइम देख लो, 11 बज के 10, 11 बज के 11 मिनट, जैसे ये कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे हमारे ये टारगेट रीच कर गया और यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट, ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। तो इस ट्रेड में जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो अप्रॉक्स 4,494 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो एक यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड बना और एक परफेक्ट ट्रेड में हमारा मार्केट यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया, आज का दिन यहाँ पे हमारा क्लोज। इसके बाद हमारे को कोई भी ट्रेड नहीं करने हैं। एक ट्रेड परफेक्ट मिला, बात खत्म। एक ट्रेड यहाँ पे एक और मिला था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक इम्पल्स है, ये इम्पल्स, ये एक हमारा रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे ये जो है ना 88 का लेवल ऑटोमेटिक बनाया, यहाँ पे हमारे को बाई का सिग्नल दिया, ऑटोमेटिक हमारे डीमैट अकाउंट में यहाँ पे ट्रेड बाई होगा और एक ही कैंडल यहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। तो इसी कैंडल में ट्रेड बाई भी होगा और इसी कैंडल में हमारा टारगेट भी आएगा। आपको मैं मेजर करके दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे ये है ना ट्रिगर पे ही हमारा एंट्री करेगा 195 पॉइंट प्रीमियम में, तो 50 पॉइंट आपको विद इन अ मिनट यहाँ पे टारगेट मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा एल्गो डिज़ाइन है और इस तरीके से यहाँ पे ये टारगेट और स्टॉप लॉस देता है। स्टॉप लॉस भी हिट हुए थे बट वो होते रहेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व कर दिया, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टारगेट हिट होगा। क्योंकि अब यहाँ पे जो हम रेंज डाल रहे हैं वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट रेंज डाल रहे हैं मेजर करके। पहले हमने क्या किया, 200 पॉइंट डाल दिया और 200 पॉइंट को हमने छोड़ दिया, जो कि हमारे को हर मार्केट का हर कंडीशन बदलता है ना, हर आवर में हमारा कंडीशन बदलता है, कहीं पे 200 पॉइंट का रेंज, कहीं पे 400 पॉइंट का रेंज, कहीं पे 600 पॉइंट का रेंज। तो जैसे जैसे हमारा रेंज बदलता है वैसे वैसे हम मार्केट के रेंज को चेंज करते रहेंगे। अब जैसे देखो एल्गो ने क्या करा, इसको हाई कंसिडर करा और इसको लो कंसिडर करा, उसके हिसाब से यहाँ पे 88 का लेवल बना दिया। बट ये हमारा किसी एंगल से हाई है नहीं है, हमारा हाई ये पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मालूम, अब ये जो हमारा हाई पॉइंट है हम इसको लेकर जो हमारा लो पॉइंट है हम यहाँ तक डालेंगे, ये 449 पॉइंट का है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रेंज को चेंज करेंगे और 450 करेंगे, 449 या 440 करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसको 440 करा फिर वो उस हिसाब से हमारा हाई एंड लो को कंसिडर करना स्टार्ट करेगा। तो हम यहाँ पे मेजर करके उसको डालेंगे तभी हमारे पास यहाँ पे बेटर रिजल्ट आएगा। अब जैसे मैंने रेंज चेंज किया, अब देखो इसने ये हाई कंसिडर करा, इसने ये लो कंसिडर करा, तो ये हमारा प्रॉपर इम्पल्स, इसके हिसाब से अब मार्केट यहाँ पे 88 का लेवल बना। अब यहाँ से मार्केट जाएगा तो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एल्गो डिज़ाइन हुआ है और इस तरीके से ये मार्केट में काम करता है। मतलब बहुत परफेक्ट चीज़ है, आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा। डीमेट अकाउंट में आपका ऑटोमेटिक ट्रेड बाई होगा, ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट में ट्रेड सेल होगा, टारगेट पे एग्जिट होगा, एसएल पे हमारा पोजीशन कट जाएगा। तो साइकोलॉजी का जो टेंशन आता था, साइकोलॉजी का टेंशन ही खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है अपना। इसको नंबर से मतलब है, एल्गो को नंबर्स मैच करेगा, प्रॉफिट बुक होगा, नंबर्स मैच करेगा, एसएल कटेगा। आप कहीं सोए हुए हो, आपका फ़ोन टूट गया, आपको कोई मतलब नहीं है, ट्रेड हमारा डीमेट अकाउंट में चलता रहेगा ऑटोमेटिक, पूरा का पूरा इस तरीके का ये एल्गो है। अगर आपको भी ये एल्गो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको बाकी के डिटेल्स बता दूंगा और आप इस एल्गो को इजीली ले सकते हो और अपने डीमेट अकाउंट में उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो नंबर दिया हुआ, आप प्लीज़ कॉल कर लेना, कमेंट भी कर सकते हो, ओके ठीक है। मिलते हैं, जिनको भी चाहिए कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।